तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट शीट और शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं स्टडी कैपिटल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में इस शेड्यूल में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के, इसलिए ये वीडियो और भी जरूरी हो जाता है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा, जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जहां पर आपको सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी दोनों की अपडेट समय पर सही अपडेट पहुंचाई जाती है। बच्चों की डिमांड चल रही थी कि सीयूईटी यूजी के लिए एक नया चैनल बना दीजिए, तो हमने एक और नया चैनल बना दिया है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपकी तैयारी में आपके अपडेट में कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है सीयूईटी पीजी एंड यूजी स्टडी कैपिटल, इसे भी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप का नंबर है ये। और साथ में टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें। आपकी स्क्रीन पर मैं इस समय एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, जो 20 तारीख यानी अभी आज थोड़ी देर पहले जारी किया है एनटीए ने। पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, अगर वीडियो लंबा भी होता है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी, क्योंकि पूरा नोटिस एक वीडियो में समझ लेंगे वो ज्यादा बढ़िया है। 10 लोगों का 10 वीडियो देखेंगे उससे बढ़िया है एक वीडियो में सब कुछ समझ लीजिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। हेडिंग है कि शेड्यूल एंड डेट शीट फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। नीचे आते हैं, ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, उन बातों को हम लोग छोड़ते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं जो बॉक्स में चीजें लिखी जाएं उन पर ज्यादा फोकस करिए। चलिए यहां पर भी जो है हाईलाइट्स हैं, 13,48,000 स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाले हैं, 380 सिटीज हैं, 26 सेंटर्स आउटसाइड इंडिया हैं। जो एग्जाम होगा बहुत ही कम समय में खत्म कराया जा रहा है, 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में, जो एक बेहतर इनिशिएटिव भी है लेकिन बहुत ही रिस्की भी है, जहां तक मुझे देखने को लग रहा है कि बहुत तेजी से एग्जाम को ये लोग खत्म करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, मामला जो समझे हम ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम और डेट शेड्यूल, उससे पहले कुछ और मामले हैं। 63 टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं, जिसमें से आपका सारे पेपर का जो समय है वो 45 मिनट का मिलने वाला है, लेकिन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट का जो समय होगा वो 60 मिनट का होगा। अब जो सबसे जरूरी बात निकल के सामने आ रही है वो पेन पेपर और सीबीटी मोड को लेकर के आ रही है। टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर बेस्ट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट पेपर विच हैव बीन चूजन बाय द मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन द पेन पेपर मोड। यानी जिन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा फॉर्म्स पड़े हैं, जिसमें जैसा कि पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी कि जिसमें 100K से ज्यादा फॉर्म होगा, मैंने पिछली अपडेट में बताया भी था, उनका पेन पेपर में एग्जाम हो सकता है और इस पर डिसीजन एनटीए ने ले लिया। दिखाता हूं किसका पेन पेपर मोड होगा। द शेड्यूल एंड डेट शीट फॉर द टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड इज गिवन इन एनेक्सर 1, नीचे है नोटिस में। इट इज एडवाइजेबल दैट टू चेक द डेट एंड टाइम ऑफ ईच ऑप्टेड टेस्ट पेपर। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा जा रहा है द रिमेनिंग पेपर्स विल बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड एज पर द शेड्यूल डेट शीट गिवन इन एनेक्सर 2। यानी जो एनेक्सर 2 में दिया है वो सीबीटी मोड वाले हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव द टाइम ऑफ द टेस्ट पेपर एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल। अब चलिए कि शेड्यूल को देखते हैं। एनेक्सर 1 यानी पेन पेपर मोड, पेन पेपर मोड में वो सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जो बड़े संख्या में सब्जेक्ट्स भरे गए। साफ साफ लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर द टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड। 15 मई शिफ्ट 1A केमिस्ट्री का एग्जाम है, फिर ब्रेक है, समय आप देख सकते हैं, मिलाते रहेगा, समय बोलूंगा बहुत टाइम चला जाएगा। शिफ्ट 1B बायो का एग्जाम, ये भी पेन पेपर मोड। शिफ्ट 2A इंग्लिश का एग्जाम, ये भी पेन पेपर मोड, 15 तारीख को ही, सबसे लास्ट शिफ्ट में है, शाम के 5 बजे से 6 बजे तक। जनरल टेस्ट, पहले दिन ही जनरल टेस्ट का युद्ध होने वाला है, इसलिए जनरल टेस्ट वाले और बाकी सब्जेक्ट वाले तैयार रहेंगे, ठीक। चलिए 16 मई पहले शिफ्ट में इकोनॉमिक्स, शिफ्ट 1B में हिंदी, हिंदी वाले भी सेकंड डे तक आ गए। शिफ्ट 2A में फिजिक्स, शिफ्ट 2B में मैथमेटिक्स। 17 मई शिफ्ट 1A में ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन शिफ्ट 1B में 17 को ही। 2A में बिजनेस स्टडीज, 2B में अकाउंटेंसी 17 को ही। 18 को हिस्ट्री है पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस, तीसरे शिफ्ट में सोशियोलॉजी, और यहाँ खेल खत्म होता है ऑफलाइन एग्जाम का। अब आ जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। जिस भी सब्जेक्ट में संख्या ज्यादा थी, 100K से ऊपर की संख्या थी, सारे सब्जेक्ट को इन्होंने ऑफलाइन में रख दिया, ये देखने को मिल रहा है। शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर कंडक्टेड इन सीबीटी मोड, शिफ्ट 1 में 21 तारीख से, यानी आप देखेंगे कि जब पेन पेपर मोड खत्म होगा
उसके बाद एक अच्छा खासा गैप 20 तारीख और 19 तारीख का दिया जा रहा है, फिर 21 तारीख को शुरू हो रहा है। वो सारे लैंग्वेजेज हैं शिफ्ट वन में, कन्नड़ है, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, रशियन, संथाली, सिंधी, तिब्बतन और एग्रीकल्चर का डोमेन भी 21 तारीख को ऑनलाइन मोड। फाइन आर्ट्स का है सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में साइकोलॉजी और फैशन स्टडीज का डोमेन। कंप्यूटर साइंस का 22 को शिफ्ट वन में, ठीक, संस्कृत का 22 को इस शिफ्ट टू में, एंटरप्रेन्योरशिप का भी शिफ्ट टू में, होम साइंस टीचिंग एप्टीट्यूड भी शिफ्ट टू में, एंथ्रोपोलॉजी फिर शिफ्ट थ्री में, लीगल स्टडीज शिफ्ट थ्री में, फिर आखिरी डेट होगा 24 मई का एसएमईज, गुजराती, मलयालम, तमिल, उर्दू, बोडो, जर्मन, मणिपुरी, केटीपीआई, मास मीडिया, ये सब कुछ शिफ्ट वन में 24 तारीख। फिर 24 तारीख की दूसरे शिफ्ट में डोगरी, पर्सियन, स्पेनिश, इन्वायरमेंटल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स। 24 को ही तीसरा शिफ्ट बंगाली, मराठी, इटालियन, जापानीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड टूरिज्म। अब ये है पूरा का पूरा डाटा जो एनटीए ने जारी किया है सीयूईटी यूजी 2024 के शेड्यूल को लेकर के। नहीं पता कि इन्होंने किस तरीके से सोचा कि किसको ऑफलाइन करा दें, किसको ऑनलाइन करा दें। मेरे अकॉर्डिंग तो इनको पूछना चाहिए था फॉर्म में ही कि कौन बच्चा ऑफलाइन एग्जाम ऑप्ट करना चाहता है, कौन बच्चा ऑनलाइन एग्जाम ऑप्ट करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देते तो ज़्यादा बेहतर होता, बशर्ते आपको सब्जेक्ट वाइज इस चीज़ को नहीं करना चाहिए था। फिर खैर, आप लोग को क्या लगता है कि कौन सा डिसीजन सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस पर एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, हमारी टीम आपको इस पर भी वीडियो देगी। साथ में आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा हर एक सही अपडेट के लिए, सटीक समय पर प्राप्त करने के लिए। और अंतिम समय में जनरल टेस्ट लैंग्वेज और डोमेन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको लेकर के हम आपको वीडियो देंगे बहुत जल्द, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।